पूरी दुनिया का मोस्ट वांटेड, हत्या लूट विरोधी का गुनहगार, नाम में काला और काम भी काला, कानून की जंजीरों में काला जठेड़ी, अपराध की धरती पर खौफ का कारोबार करने वाला काला जठेड़ी आज कानून की जंजीरों में बंद है। जुर्म की चार दीवारी कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, पुलिस के हाथ कभी ना कभी पहुंच ही जाते हैं। और ऐसा ही हुआ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के मामले में। हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, जमीन पर कब्जे जैसे कई संगीन मामलों में फरार चल रहे काला जठेड़ी पर हरियाणा पुलिस ने 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में आपराधिक गतिविधियों की वजह से सर दर्द बन चुका काला जठेड़ी की तलाश काफी समय से पुलिस को थी। और ये तलाश शुक्रवार को उस वक्त खत्म हुई जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी को उसकी महिला सहयोगी के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वांटेड क्रिमिनल संदीप एलियस काला जठेड़ी और उसकी सहयोगिनी अनदर वांटेड क्रिमिनल अनुराधा, जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को कल सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम का नेतृत्व एसीपी राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर विक्रम दहिया और इंस्पेक्टर संदीप डबास कर रहे थे। पिछले 15 दिनों से हमारी टीम पूरे पैशन के साथ 7-8 राज्यों में 10,000 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र इसकी खोज में कर चुकी है। शुरुआत इसकी गोवा अहमदाबाद से हुई, सूरत, राजकोट, भिंड, रतलाम, पुरी, पूर्णिया, लखनऊ, पटियाला, सहारनपुर, हरिद्वार, ये सारी जगह पर हमारी टीम इसके पीछे पीछे, या बल्कि मैं कहूँ उन टेक्निकल गैस एस्टिमेट्स के पीछे पीछे लगी रही और अंततोगत्वा कल दोपहर बाद इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। काला जठेड़ी का नाम दिल्ली में चर्चित पहलवान सागर हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था। रेसलर से गैंगस्टर बन गए सुशील ने भी दिल्ली में जमीन की खरीद फरोख्त सहित कई काले कामों के लिए जठेड़ी के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन बाद में दोनों में दुश्मनी हो गई। दिल्ली के स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की पिटाई के बाद मौत मामले में सुशील की गिरफ्तारी हुई। सागर के साथ सोनू महाल नामक शख्स की भी पिटाई हुई थी, जो रिश्ते में काला जठेड़ी का भांजा होने के साथ ही दाहिना हाथ भी माना जाता। इसके बाद काला जठेड़ी ने सुशील कुमार को धमकी दी थी, जिस पर सुशील कुमार ने काला जठेड़ी से जान का खतरा बताया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार एक्टिव थी और उसके गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही थी। तो वहीं जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की निशानदेही पर ही दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ उसकी महिला सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक अनुराधा के खिलाफ राजस्थान में हत्या, अपहरण, फिरौती और रंगदारी वसूली जैसे कई मामले दर्ज हैं। इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। केबल ऑपरेटर से क्राइम मैनेजर तक वारदातों की पटकथा का मास्टरमाइंड, हत्या की वो हैरान करने वाली स्टोरी जिससे संदीप बना काला जठेड़ी। रक्त रंजित करने वाली वारदातों का जब जिक्र होगा तो गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई का नाम खुद ब खुद जुड़ जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को काला जठेड़ी का सुराग लॉरेंस बिश्नोई से ही मिला। इससे पहले भी दोनों मिलकर गैंग चला रहे थे और हत्या,
लूट, फिरौती, जमीन पर कब्जा करने जैसे संगीन मामलों को अंजाम देकर खौफ का राज चला रहे थे। लेकिन जठेरी की गिरफ्तारी से पहले लॉरेंस बिश्नोई को भी स्पेशल सेल गिरफ्तार कर चुकी है और वो अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। भारत से पहले दुबई और मलेशिया में बैठकर गैंग ऑपरेट करने वाला जठेरी 12वीं पास है। उसने पहले केबल ऑपरेटर का काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही जुर्म की दुनिया में दस्तक दे दी। 2004 में जठेरी के खिलाफ झपटमारी का पहला केस दर्ज हुआ। 2009 में रोहतक में लूट के दौरान हत्या का मामला दर्ज। 2010 में सोनीपत के गुहाना में हत्या और छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर। काला जठेरी ने साथियों के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया। रंजिश के चलते हत्या और रंगदारी में नाम आया। 2015 और 16 में हत्या के मामले में सजा सुनाई गई। जेल में रहकर ही बाहर गैंग चला रहा था काला जठेरी। हालांकि पिछले साल 2 फरवरी 2020 को गुरुग्राम पुलिस संदीप उर्फ काला जठेरी को फरीदाबाद अदालत में पेशी के लिए लेकर आई थी, लेकिन उसे वापस ले जाने के दौरान गुरुग्राम रास्ते पर बदमाशों ने पुलिस की बस को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और काला जठेरी को छुड़ा लिया। इस मामले में डबुआ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। तभी से काला जठेरी फरार था। नेपाल के रास्ते दुबई निकलने की आशंका जताई गई। दिल्ली में 15 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। दिल्ली से बाहर 4 स्टेट्स में 25 के आसपास केसेस हैं मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैब और डकैती के, जिनकी हमें कंफर्म जानकारी है। तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसिला। इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में, तब इसके ऊपर उस समय 34 मुकदमे थे। 2020 में ये भागा, उसके बाद से अब तक 15 केसेस हैं, 15 रजिस्टर्ड एफआईआर। आपको बता दें कि काला जठेरी ने 2020 में पुलिस गिरफ्त से फरार होने के बाद फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत समेत दिल्ली एनसीआर के करीब 6 गिरोह से साठगांठ कर ली थी। ये गिरोह मिलकर काम करते थे। पुलिस के मुताबिक संदीप उर्फ काला जठेरी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी है और उसके गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों में संगीन अपराधों में शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह में अभी भी 100 से ज्यादा सक्रिय शार्प शूटर है। बता दें कि पिछले 10 महीने में काला जठेरी गैंग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 25 हत्याओं को अंजाम दिया है। काला जठेरी पर दिल्ली पुलिस ने मकोका भी लगाया है। वहीं अब पुलिस का अगला टारगेट इस गैंग के बाकी बचे सक्रिय सदस्यों को पकड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट।